भारत से पंगा लेना मुइजू सरकार को भारी पड़ रहा है। मालदीव ने सोचा नहीं होगा कि उसे भारत के खिलाफ पंगा लेना कितना महंगा पड़ेगा। 24 घंटे भी नहीं लगे और भारत ने मालदीव को घुटनों पर ला दिया। भारत सरकार अब मालदीव का आर्थिक चोट देने जा रही है। ये चोट ऐसी है कि मालदीव अब भारत से गुहार लगाएगा कि ऐसा मत करिए। लेकिन अब भारत रुकने वाला नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत से लाखों की संख्या में टूरिस्ट हर साल मालदीव जाते हैं। मोदी सरकार अब उसी लक्षद्वीप को मालदीव का विकल्प बनाने के लिए एक नया एयरपोर्ट तैयार करने का प्लान बना रहा है। इस नए एयरपोर्ट को लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर बनाया जाएगा। एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि यहां से न सिर्फ सिविलियन बल्कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी ऑपरेट किए जा सकेंगे। सूत्रों की माने तो प्लान के तहत यहां ज्वाइंट एयरफील्ड बनाने की तैयारी है, जो फाइटर जेट्स, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के काबिल हों। मिनिकॉय द्वीप पर नए एयरफील्ड को बनाने का प्रस्ताव पहले भी दिया जा चुका है, मगर नए प्लान के तहत डिफेंस और सिविलियन दोनों कामों के लिए ज्वाइंट एयरफील्ड बनाने का प्रस्ताव पहली बार दिया गया है। नए एयरफील्ड से भारत को एक तीर से दो निशाना लगाने का मौका मिलने वाला है। एक बार ऑपरेशनल होने के बाद एयरपोर्ट से डिफेंस फोर्सेस की सर्विलांस क्षमता के साथ साथ स्थानीय पर्यटन उद्योग की आय भी बढ़ जाएगी। सरकार ने पहले ही लक्षद्वीप में पर्यटन बढ़ाने का प्लान बनाया है। वर्तमान में लक्षद्वीप के अगत्ती में सिर्फ एक एयर स्ट्रिप है, जहां कई तरह के विमान लैंड नहीं कर सकते हैं। अब केंद्र की मोदी सरकार कुछ ऐसा ही प्लान बना रही है कि भारत से लाखों की संख्या में मालदीव जाने वाले भारतीय टूरिस्ट अब लक्षद्वीप घूमने जाएं, जिससे भारत का पैसा भारत में रहे और मालदीव को आर्थिक चोट दी जा सके, क्योंकि हर साल लाखों की संख्या में भारतीय मालदीव घूमने जाते हैं। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो मौजूदा वक्त में भारतीय पर्यटक मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए एक बूस्टर डोज की तरह हैं, क्योंकि मालदीव की आर्थिक सत्ता इस वक्त टूरिज्म पर टिकी है और भारत उसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत से ही मालदीव जाते हैं और मालदीव ने उन्हीं पर्यटकों को नाराज कर दिया है। वर्ष 2023 में 2,09,000 लोग भारत से मालदीव घूमने के लिए गए थे, जबकि 2022 में मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या 2,41,000 थी। बता दें कि मालदीव के तीन डिप्टी मंत्रियों मालशा शरीफ, मरियम शियोना और अब्दुल्ला महजूम माजिद के जरिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों की वजह से भारत संघ उसके रिश्ते काफी खराब हो गए हैं। तीनों मंत्रियों ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर मजाक उड़ाया था, जिसके बाद उन्हें मालदीव की सरकार ने सस्पेंड कर दिया। मालदीव के विपक्षी नेताओं ने भी सरकार के मंत्रियों की टिप्पणी को लेकर उनकी आलोचना की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।